19 संक्रमण के पॉजिटिव मामलों में लगातार गिरावट के बाद राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने आम जनता को कई छूट दी हैं, जिसमें सबसे बड़ी छूट यह है कि अब धार्मिक कार्यक्रम 6 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य हो सकेंगे। 200 व्यक्ति इसमें शामिल हो सकेंगे। 200 व्यक्तियों को अनुमति दे दी गई है धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने की। लेकिन इनमें सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात यह है कि कम से कम एक डोज लगवाई हुई होनी चाहिए हर व्यक्ति को। इसी के साथ विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17/9/2021 की निरंतरता में स्थानीय जिला प्रशासन ने पूर्व में सूचित करते हुए पशु हाट मेलों के साथ ही अन्य प्रकार के हाट बाजारों का आयोजन कोविड उपयुक्त व्यवहार मास्क के साथ शुरू करने की अनुमति दे दी है। यानी अब जो हाट बाजार हैं वो भी लग सकेंगे और जो शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनको भी 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। सबसे बड़ा फैसला ये रहा कि अब 200 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे धार्मिक कार्यक्रमों में। लंबे समय से धार्मिक कार्यक्रम बंद थे, लेकिन अब क्योंकि त्यौहार भी नज़दीक हैं, ऐसे में आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ पेट्रोल डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा थोक आउटलेट अपने समयानुसार संचालित किए जा सकेंगे। संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे कर दिया गया है। बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है आम जनता को राहत देने के लिए। लगातार राजस्थान में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। लंबे समय से कोरोना के ज्यादा मरीज सामने नहीं आ रहे हैं। बीच में कुछ समय ऐसा भी किया जब कोरोना के बिल्कुल मरीज सामने नहीं आए। ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया है जनता के हित में।